लिखता है कि शैतान की सबसे पहली कोशिश होती है कि आदमी को कुफर शिर्क में मुबतला करे। किसमें? उसमें हो गया मुबतला तो बस शैतान का काम हो गया, और अगर उसमें मुबतला नहीं हुआ तो फिर वो गुनाह कबायर में मुबतला कर देता है। किसमें? कबीरों में और झूठ में और शराब में और दूसरी चीज़ों में और रुश्वतों में। और अगर देखा कि ये तो इसमें भी फंसा नहीं, इसमें भी फंसा नहीं, तो फिर वो कहते हैं चलो छोटे छोटे गुनाह करा दें, छोटे गुनाह मुबतला कर दे। अगर देखा कि ये अल्लाह का बंदा न बड़े गुनाह करता है न छोटे गुनाह करता है, फिर वो क्या करता है, ये अमल वाला है, फिर वो जो अमल आला दर्जे का उससे रोकता है। क्या? जो उससे दूसरे नंबर उसमें लगाते हैं, उसकी मिसाल आप सुन लें तब समझ में आएगा। खड़े होकर नमाज पढ़ना, नफल पढ़ना, इसमें पूरा सवाब मिलता है, इसमें पूरा सवाब। और अगर बैठ के नफल पढ़ ले आधा सवाब है। तो शैतान अगर उससे कहता है बैठ के भी तो नमाज अदा होती है, तुम थके हुए हो, तुम इधर खड़ा होना कोई जरूरी नहीं, नमाज तो पढ़ लो। वो ये चाहता है इसको ज्यादा नीचे भी न मिले। तो कहते हैं कि अफजल काम को छोड़कर मफजूल काम की तरफ वो आदमी को मुतवज्जा कर लेता शैतान।